एमपी में कोरोना के 1424 नए मरीज आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 66,914 पर। अब तक कोरोना से 1453 मरीजों की मौत। इलाज के बाद अब तक 51,124 मरीज स्वस्थ हुए। इंदौर में कोरोना के 259 नए मरीज आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 13,752 पर। अब तक कोरोना से 406 मरीजों की मौत। इलाज के बाद अब तक 9,497 मरीज स्वस्थ। खरगोन जिले में तालाब में नहाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। गहरे पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौके पर मौत। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत से परिवार गमनीन। कसरावत पुलिस थाना क्षेत्र के करोंदिया गांव की घटना। गुरुवार की सुबह इंदौर में जमकर बरसे बदरा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक शहर में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगे भी जताई भारी बारिश की संभावना। बारिश को लेकर पुलिस प्रशासन और निगम अलर्ट हुए। खरगोन जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी। कोरोना संक्रमण के 40 नए मरीज आए सामने। अब तक 28 मरीजों की मौत। 1294 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं जिले में अभी भी कोरोना के 334 मरीज एक्टिव। विदिशा जिले के सिरोंज में कलयुगी बेटे की करतूत आई सामने। बेटे ने सौतेली मां का गला रेत कर उतारा मौत के घाट। मां की हत्या कर आरोपी खुद पहुंचा पुलिस थाने। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सिरोंज थाना क्षेत्र के अयोध्या बस्ती की घटना। काला पीपल के अरनिया कला में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने आष्टा साजापुर नेशनल हाईवे किया जाम। सड़क पर कीर्तन भजन कर पुलिस के खिलाफ जताई नाराजगी। माताजी की प्रतिमा खंडित करने वालों को गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज है ग्रामीण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का गर्मजोशी से किया स्वागत। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की चर्चा। रामू टेकाम और महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव राहुल येवले मौजूद। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया ट्वीट आ गया है। सीबीआई सुशांत की मौत और दिशा सलियान की मौत के कनेक्शन की तफ्तीश करेगी। इसके लिए दिशा की कंपनी के कर्मचारी बंटी सजदे से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे। आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ हो रही है। हालांकि आज रिया की मां से सवाल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और योगी सरकार के बीच आर पार की जंग चल रही है। गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैजाबाद में किसानों की भूमि अधिग्रहण के मसले पर अजय कुमार लल्लू उनसे मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठनों का हुक्का लॉन्च पर धावा। मौके से 4 नाबालिग सहित 19 लोगों के हिंदी संगठनों ने रंगे हाथों पकड़ा। मार्केट स्थित क्यूरोसिटी लॉन्चर हुक्का सहित परोसी जा रही थी शराब। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक युवतियों को लगाई जमकर फटकार। भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक से अमेरिका बहुत खुश। पबजी समेत 118 चीनी एप्स बैन करने का अमेरिका ने किया स्वागत। अमेरिका के बाकी देशों को दिया भारत का उदाहरण। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया खतरा। भारत चीन तनाव के बीच ले पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे। आर्मी चीफ ने सेना की तैयारियों का लिया जायजा। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीन सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। भारत चीन सीमा पर पिछले 3 माह से बनी हुई है टकराव की स्थिति। दिल्ली रेलवे ट्रैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रेलवे ट्रैक के आसपास 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश। 3 महीने में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास हटाई जाएगी झोपड़ियां। झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश। कोरोना को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोरोना के इलाज को कमाई का जरिया नहीं बना सकते निजी अस्पताल। शाजापुर के एक निजी अस्पताल ने पैसे न चुकाने पर 80 वर्ष के एक बुजुर्ग को पलंग से बांधने के मामले में हुई सुनवाई।